नमस्कार दोस्तों, कुंडली टीवी पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौधों की। पौधे जो न सिर्फ वातावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करते हैं, साथ ही घर में खुशहाली लाते हैं। वास्तु में ऐसे ही कुछ पौधों का जिक्र है जिन्हें लगाने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है और इससे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही विवादों और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं इन पेड़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चमेली के पौधे की। चमेली अपनी खुशबू के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन वास्तु में भी इसका बड़ा महत्व है। अगर आपके परिवार के बीच मनमुटाव हो रहा है तो घर में एक चमेली का पौधा लगाएं। इससे विवादों से मुक्ति मिलती है और घर में शांति का माहौल बनेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तुलसी के पौधे की। तुलसी का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। कहते हैं सभी देवता इसमें वास करते हैं। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इतना ही नहीं, हर शुभ काम में इसे शामिल भी किया जाता है। कहते हैं तुलसी का पौधा घर लगाने से परिवार के सभी सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। वास्तु के अनुसार बांस का पौधा घर लगाना बहुत ही अच्छा होता है। वास्तु के साथ साथ फेंगशुई में भी इसे घर में रखने की सलाह दी गई है। इसमें कलेश दूर करने की क्षमता होती है। जिन घरों में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, एक बात हल होने के बाद कोई नई समस्या तैयार हो जाती है। ऐसे लोग अपने घर में बांस का पौधा लगाएं। आगे बात करते हैं कैक्टस के पौधे की। वैसे तो घर में कैक्टस लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप घर के बाहर कैक्टस का पेड़ लगाते हैं तो यह आपके घर को बुरी नजर से दूर रखता है। अंत में हम बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि सौभाग्य भी लाता है। इसे घर में लगाने से किस्मत बदल जाती है। एलोवेरा से घर की सजावट भी कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है तो इस पौधे को कमरे में रखना कारगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन फायदों को उठाना चाहते हैं तो इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। एक बात का ध्यान रखें, इन पौधों को कभी भी सूखने ना दें। समय समय पर इनकी देखभाल करते रहें ताकि आपको इनका पूरा फायदा मिल सके। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।